दोस्तों क्या आप सभी लोगों को मालूम है कि फैक्ट टेक यूट्यूब चैनल के ऑनर राजेश ने हिंदू धर्म को लेकर एक बहुत ही बड़ी हैरान कर देने वाली बात बोली है। आखिर दोस्तों उन्होंने ऐसी क्या बात बोली है, इस वीडियो के अंत तक आपको जानने को मिल जाएगा। दोस्तों जरा आप इस इमेज को देखिए, आखिर दोस्तों यह होल किस स्थान का है, क्या दोस्तों आपको यह बात मालूम है। तो दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स को जानने से पहले दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए इस रैंडम फैक्ट के एपिसोड को हम अभी शुरुआत करते हैं। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी को माना जाता है, पर दोस्तों क्या आपको मालूम है कि जो आपकी जांघ की हड्डी होती है वो दोस्तों स्टील से कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी जांघ की हड्डी आपके शरीर के वजन के 30 गुना अधिक भार को ये सह सकते हैं, यानी कि दोस्तों उसको बियरिंग कर सकती है। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, आप सभी लोग सुपरमैन मूवी को जरूर देखा होगा, पर दोस्तों क्या आपको मालूम है कि सुपरमैन जैसे मूवियों की शुरुआत सन 1908 में हुई थी। और दोस्तों क्या आपको मालूम है कि सुपरमैन की जो पहली मूवी थी उसमें दोस्तों कर्क एलन ने उसमें किरदार अपना निभाया था, यानी कि दोस्तों इस दुनिया की पहली सुपरमैन मूवी में कर्क एलन सुपरमैन बने थे। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, क्या आप सभी लोगों को मालूम है कि 50 के दशक में सबसे खूबसूरत क्रिकेटरों में से अब्बास अली बेग को माना जाता है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अब्बास अली बेग के क्रिकेटर इतने प्रेमी थे, यानी कि दोस्तों उनके इतने दीवाने थे कि दोस्तों एक बार सन 1960 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था, उस दौरान दोस्तों एक लड़की स्टेडियम के मैदान के अंदर उतर कर अब्बास अली बेग को एक किस दे दिया था। दोस्तों आप सभी लोग इसके पहले कभी नहीं सुना होगा कि किसी इंडियन क्रिकेटर के साथ कुछ ऐसी वारदात कभी हुई। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, जरा आप इस होल को देखिए, ये दोस्तों कैसा होल है, ये दोस्तों किस स्थान का होल है। तो दोस्तों जिन लोगों को मालूम नहीं है मैं दोस्तों उनको बता दूं कि जब दोस्तों आप बीमार हो जाते हैं तो दोस्तों आपको ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाते हैं। जिस स्थान पर आपको इंजेक्शन लगाया जाता है उस स्थान को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर कुछ इस तरह का वो दिखता है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, आप सभी लोगों को अक्सर ये सुनने को मिलता होगा कि एक समय ऐसा था कि हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाती थी। तो दोस्तों ऐसा वह कौन सा राजा था जो कि दोस्तों उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। तो दोस्तों जिन लोगों को मालूम नहीं है मैं उनको बता दूं कि मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती राजा महान सम्राट अशोक के शासनकाल को भारत को स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आप सभी लोग स्क्वाड गेम का नाम जरूर सुना होगा, पर दोस्तों क्या आपको मालूम है कि इसका नाम कैसे पड़ा, इसका पहले और क्या नाम था। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसके पीछे एक कहानी है। दोस्तों एक हवांग डुआंग ह्यूक नाम के एक व्यक्ति थे जो कि दोस्तों इन्होंने एक कहानी लिखी थी, लेकिन दोस्तों इनकी कहानी को किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के यानी दोस्तों किसी भी प्रोडक्शन कंपनी को पसंद नहीं आई। लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद नेटफ्लिक्स पर उनके तरह के जो कॉन्टेंट थे वो दोस्तों पॉपुलर होने लगे थे, तब दोस्तों इन्होंने इस कहानी को यानी दोस्तों इन्होंने अपने कहानी को नेटफ्लिक्स को रिप्रेजेंट किया। और दोस्तों उसके बाद नेटफ्लिक्स ने इनके कहानी को सन 2019 में रिलीज किया। इसे दोस्तों शुरुआत में राउंड सिक्स के नाम से इसको रिलीज करने वाले थे, लेकिन दोस्तों कुछ चेंजेस के बाद इसका नाम स्क्वाड गेम रख दिया गया। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आप सभी लोगों को मालूम है कि जो सहारा रेगिस्तान है उसका दोस्तों जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों हमारे भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है। दोस्तों जो हमारे भारत देश का क्षेत्रफल है वो दोस्तों 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का है। और दोस्तों वही जो सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल है वो दोस्तों 92 लाख यानी दोस्तों 92 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, हम इंसानों ने आज तक जितना सोना पाया है उससे ज्यादा कहीं हम दोस्तों एक घंटे में निकाल सकते हैं, यानी दोस्तों उसका निर्माण कर सकते हैं। पर दोस्तों क्या आपको मालूम है कि सोना और कॉपर ये ऐसे दो धातु हैं जिनकी पहचान दोस्तों इंसानों को सबसे पहले हुई थी। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एक अनुमान के मुताबिक सोना और कॉपर की खोज लगभग 5000 साल पहले इंसानों को इसकी पहचान हो गई थी। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस धरती पर ऐसे ऐसे जीव मौजूद हैं जो कि दोस्तों हमको आए दिन हैरान करते रहते हैं, जैसे कि दोस्तों गैंट एंटेटर को ही आप ले लीजिए, जिसकी जीभ दोस्तों सभी स्तनधारियों में से सबसे लंबी मानी जाती है। एक अनुमान के मुताबिक इनका जो दोस्तों जीभ की लंबाई होती है वो दोस्तों लगभग 2 फीट की होती है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में सबसे तेज मुक्का
कौन मार सकता है। तो दोस्तों जिन लोगों को मालूम नहीं है तो दोस्तों मैं उनको बता दूं कि इस दुनिया का सबसे तेज मुक्का मेंटिस 3 नाम कीड़े का होता है। इसके एक मुक्के की स्पीड जो होती है वो दोस्तों 50 मील प्रति आवर की होती है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम के लिए कुरान है, ईसाइयों के लिए दोस्तों बाइबल है और दोस्तों हिंदू के लिए गीता है। पर दोस्तों क्या आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म में कोई भी एक ऐसा ग्रंथ नहीं है जो कि दोस्तों बौद्ध धर्म का सबसे मेन ग्रंथ उसे माना जाता हो। पर दोस्तों बौद्ध धर्म के तरफ से किसी भी ग्रंथ को बौद्ध धर्म का मेन ग्रंथ नहीं माना गया। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इंसान अपनी कोहनी को कभी भी चाट नहीं सकता। जो लोग दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से 75% ऐसे लोग होंगे जो कि दोस्तों अपने कोहनी को चाटने की वो कोशिश करेंगे। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आप सभी लोग चमगादड़ को तो जरूर देखा जो कि दोस्तों गुफाओं के अंदर रहना पसंद करते हैं। पर दोस्तों क्या आपको मालूम है कि जब चमगादड़ गुफा के बाहर की तरफ निकलता है तो दोस्तों वह अपने बाईं तरफ ही मुड़ता है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, रात को सोते वक्त सपने तो हम सभी लोग देखते हैं। पर दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हम सभी लोगों को यह कभी भी याद नहीं रहता कि सपना की शुरुआत कहां से हुई थी, यानी दोस्तों जो आपने सपना देखा है उसकी शुरुआत कहां से हुई थी ये बात आपको मालूम नहीं होगी। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, फैक्ट के यूट्यूब चैनल के ऑनर राजेश भाई ने हिंदू धर्म को लेकर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बोली है। उन्होंने अपने एक वीडियो के अंदर यह बताया है कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो दोस्तों कंबोडिया में मौजूद है, जो कि दोस्तों 402 एकड़ की जगह में यह फैली हुई है, जिसे दोस्तों 12वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था, जो कि दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में इस दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। दोस्तों आप सभी लोगों को यह फैक्ट जानकर कैसा लगा आप हमको एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपके बगल में बेल आइकन बना है उसे दोस्तों आप आर पर क्लिक कर लीजिए। तब तक दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के।